Hello student, I am Dr. Charukha Mesra and today we are completing the next topic, that is free radical halogenation in alkenes. This is the next topic of reaction mechanism which we are doing today. Alkene undergo substitution reaction with halogens. Halogens ke saath mein alkene substitution reaction karte hain, jiske andar CH bond is broken and CX bond is formed. CH bond jo tootta hai aur CX bond banta hai, halogen ke saath mein bond banta hai. All the hydrogen atom may be replaced by halogen atoms depending on the reaction conditions such as the temperature, amount of halogen present used etc. Iske upar depend karega ki halogen kis extent tak hota hai. The reactivity of the halogen atom decreases along the series. यदि हम लोग देखें तो ये हमारे पास में order होता है halogens की reactivity का for the free radical halogenation of alkenes के लिए. यदि हमारे पास में हम देखें the reactivity of the hydrogen atom देखें towards halogenation, तो ये हमारे पास में tertiary, secondary and primary, this is the order which is followed by the hydrogen atom for replacing the hydrogen atom the free radical mechanism. Now simplest example we are taking here. यहाँ पे हमारे पास में हमने tertiary, यहाँ पे हमने ये compound लिया है जिसके अंदर इस carbon, central carbon के ऊपर 1, 2 and 3 positions जो हैं, यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 1, 2 and 3, these are the 9 primary hydrogen present here and 1 is the tertiary. This is the carbon which is carbon जिसके ऊपर एक hydrogen लगा हुआ है, तो एक tertiary carbon atom hydrogen है जबकि 9 यहाँ पे primary hydrogen atom है. जब इसका chlorination किया जाता है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हम लोगों को. टू सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड हियर. यहाँ पे हमारे पास में सीएल जो है वो प्राइमरी के ऊपर अटैच है, प्राइमरी हेलो एल्केन्स बनाया है, और यदि यहाँ पे सेकेंडरी के ऊपर सेकेंडरी हेलो एल्केन्स बने हैं. दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन 2:1 रेशियो. इनके पास में नो प्राइमरी हाइड्रोजन, 1 टर्शियरी हाइड्रोजन होते हुए भी यहाँ पर हमने देखा कि 2:1 की रेशियो के अंदर प्रोडक्ट बना है. दैट मीन्स टर्शियरी हाइड्रोजन यदि होता है तो वो इजीली रिप्लेस हो जाता है विद द फ्री रेडिकल, विद द फ्री रेडिकल. नाउ इफ विल गो फॉर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म हम देखें. The halogenation of alkanes takes place by the free radical mechanism in which we have to go through 3 steps. Chain initiation, chain propagation, chain termination. These are the common steps we know. फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं हमारे पास में चेन इनिशिएशन, जिसके अंदर इनिशिएटर को बनाना है. क्लोरीन मॉलिक्यूल का क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो होमोलाइटिक फ्यूजन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर. सिमेट्रिकल फ्यूजन होता है जिसकी वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में से दोनों जने, दोनों स्पेशीज जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाती है. तो हमारे पास में यहाँ पर एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन एटम के पास में है और यहाँ पर क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया है. अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल चेन प्रोपोगेशन के लिए जाएगा और अटैक करेगा किसके ऊपर, हमारे पास में एल्केन के ऊपर अटैक करेगा. जैसे ही ये फ्री रेडिकल, ये जो फ्री क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये एल्केन के ऊपर अटैक करेगा तो न्यू फ्री रेडिकल विल बी जनरेटेड. यहाँ पे अल्काइल का फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी. अब ये अल्काइल का फ्री रेडिकल फर्दर अटैक ऑन द क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स क्लोरीन फ्री रेडिकल. दीज आर द रिएक्शंस विच आर कंटिन्यूएशन के अंदर चलती रहेगी. द रिएक्शन द रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स ऑफ द क्लोरीन एटम नाउ अटैक द CH bond of the alkane and obstruct the hydrogen atom to form the HCl and another alkyl free radical. Alkyl free radical R free radical is generated. This alkyl free radical further attack to the chlorine molecule to form RCl. RCl बनाता है और साथ में क्लोरीन का फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है. दीज स्टेप्स फॉलोज ईच अदर टिल ऑल द स्टार्टिंग एल्केन्स एंड हेलोजन्स आर कंज्यूम. जब तक हमारे पास में स्टार्टिंग एल्केन्स और हेलोजन पूरी के पूरे कंज्यूम नहीं हो जाते तब तक ये दोनों स्टेप्स जो है कंटिन्यूशन में चलती रहती है. फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल इन दिस स्टेप, दिस स्टेप के अंदर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल एंड आर फ्री रेडिकल इज एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल. मोर फेवरेबल होने की वजह से हमारे पास में यहाँ पे एच सी एल एंड आर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है. देन आर सी एल एंड एच फ्री रेडिकल. नाउ चेन टर्मिनेशन, द नेक्स्ट स्टेप इज अ चेन टर्मिनेशन.
चेन टर्मिनेशन के अंदर फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं. सपोज टू बी टू आर फ्री रेडिकल्स आर कम्बाइंड ईच अदर एंड फॉर्म्स द एल्केन. ये आर बॉन्ड आर बना लें, क्लोरीन है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लें, आर और सी एल मिल जाएँ तो आर सी एल बन जाएँ. तो दिस ऑल द फ्री रेडिकल कंज्यूम दोनों आपस में मिलने के बाद में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं. एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल मिथेन का क्लोरीनेशन करवाते हैं इन द यूवी लाइट. यूवी लाइट के अंदर मिथेन का क्लोरीनेशन करते हैं हम. टेम्परेचर इज 523 टू 773 केल्विन के ऊपर हम करते हैं. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है तो CH3Cl बन जाता है. फर्दर इसी का क्लोरीनेशन करने पर CH3Cl जो बना मिथाइल क्लोराइड या हम कहें कि क्लोरोमिथेन जो बना उसका फर्दर हम लोग क्लोरीनेशन करवाते हैं तो डाई क्लोरोमिथेन बन जाता है, मिथाइलिन क्लोराइड बन जाता है. इसका फर्दर क्लोरीनेशन करा दिया जाए तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बन जाता है, दैट इज़ अ डाई क्लोरोमिथेन. फर्दर हमारे पास में यहाँ पे कंडीशंस यदि फेवरेबल रहती हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्लोरोफॉर्म जो है फर्दर CCl4 दैट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड इज फॉर्म्ड हियर. दिस इज ऑल अबाउट द हेलोजनेशन ऑफ मिथेन. यदि इसका मैकेनिज्म हम देखें तो मैकेनिज्म कैसे होता है, 3 steps, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन. चेन इनिशिएशन स्टेप पे जाते हैं, होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा. चेन प्रोपगेशन के अंदर मिथेन है जिसके पास 4 hydrogens हैं, ये चारों हाइड्रोजन 1 by 1 करके क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और एंड में हमारे पास में क्या मिल जाता है, फेवरेबल कंडीशन होने पर CCl4 बन जाता है. एंड लास्ट स्टेप दैट इज़ अ चेन टर्मिनेशन. चेन टर्मिनेशन के अंदर फ्री रेडिकल्स जो हैं लाइक क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म्स क्लोरीन मॉलिक्यूल, मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म्स इथेन, एंड मिथाइल एंड क्लोराइड फ्री रेडिकल फॉर्म्स मिथाइल क्लोराइड. दिस इज ऑल अबाउट द चेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स. थैंक यू.